हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं? तो गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए गाइज हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करना क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस का आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है 9:16, इस पर क्लिक करके गाइस इसे हमें सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर तो हमें सबसे पहले मीडिया का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये बैकग्राउंड का, तो हमें इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको बहुत से बैकग्राउंड मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से बैकग्राउंड है। तो हमें यहाँ से एक ये ब्लैक स्क्रीन जो है फर्स्ट वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे हमें ऐसे बड़ा कर लेना है, मतलब वीडियो के मुताबिक जितना बड़ा आप वीडियो एडिटिंग करेंगे उतना बड़ा कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट में आना है, और आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, लेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज हमें एक वीडियो ले लेनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को गाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो है ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, और आने के बाद इसका जो अदर पार्ट है यहाँ से हमें करना क्या है गाइज, इसका जो अदर पार्ट है यहाँ से हमें ट्रिम कर देना है। तो यहाँ से आ जाएंगे ऐसे, और इस पर क्लिक करेंगे, और कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड करके इसे काट देंगे। और काटने के बाद इस वीडियो को यहाँ पे देन ऐसे ला देंगे फर्स्ट में, और लाने के बाद सिंपल से करना क्या है, इसी वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले आइकन पे, और यहाँ से गाइज इसे जो है पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज ये जो है पूरा फुल स्क्रीन होगा, उसके बाद देन यहाँ से यस कर देंगे। और ये करने के बाद क्या करना है, फिर इसी वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आ जाएंगे गाइज ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, ब्लेंडिंग प्रीमियम, इस पर आएंगे, और यहाँ से ये स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और देन यहाँ से फिर बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे कलर एडजस्टमेंट में, और यहाँ से इसका जो कलर यहाँ है एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, और इसे भी ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देन यहाँ से करना क्या है, यस कर देना है, ये हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे अब जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फिर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो फ़ोटो लेना चाहते हैं, मतलब लगाना चाहते हैं, उस फोटो को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से एक, चलिए ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। अब इस फोटो को हमें करना क्या है गाइज, ऐसे यहाँ पे ऐसे बड़ा कर लेना है ऐसे, और इसे पूरे वीडियो के एंड तक ऐसे कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वीडियो है गाइज, इस पर क्लिक करेंगे, फिर थ्री डॉट क्लिक करेंगे, और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब करना क्या है, सिंपल सा, ये जो फोटो है इस पर क्लिक करेंगे, फिर थ्री डॉट क्लिक करेंगे, और यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे, और यहाँ पे सेकंड वाले पिक्चर पे आ जाएंगे, और आ जाएंगे यहाँ से ओवर एनिमेशन पे, और यहाँ से ये पल्स वाला एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से देन बैक आएंगे, और बैक आने के बाद फिर यहाँ से आ जाएंगे कलर फिल्टर में, और यहाँ से ये वाला जो फर्स्ट वाला कलर फिल्टर है ये सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है गाइज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। और ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, एक बार और हमें ये जो वीडियो है हमारा इस पर क्लिक करेंगे, और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है गाइज, अगर आप ये इसमें न्यू सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपके फाइल में जितने भी सॉन्ग होंगे यहाँ पे शो होंगे, तो आपको जो सॉन्ग लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी सॉन्ग नहीं ऐड कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देन यस कर देंगे। अब गए, चलिए मैं आपको इस वीडियो को जो है प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है 30 रहने देंगे। उसके बाद गाइज नीचे एक्सपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक करके गाइज वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो जो है हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।